सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे बिहार के आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी बुरे फंस गए हैं। सुशांत की कथित आत्महत्या मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है, लिहाजा इस केस में अब मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस जांच नहीं कर सकती है। अब जब तिवारी क्वारंटीन स्किप कर वापस बिहार लौटना चाहते हैं, तब भी बीएमसी इसमें अड़चन डाल रही है। बीएमसी का कहना है कि क्वारंटीन स्किप करके वापस जाने के लिए बिहार के आईपीएस को अपना कोविड टेस्ट कराना होगा, अगर टेस्ट नेगेटिव आता है तो ही उन्हें बिहार वापस जाने की अनुमति दी जाएगी। बीएमसी के एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर पी वेलरासू ने ये बातें पटना आईजी संजय सिंह की एक चिट्ठी के जवाब में कही है। पटना के आईजी ने बीएमसी से मांग की थी कि आईपीएस अफसर को थोड़ी छूट दी जाए, जिसे बीएमसी के वेलरासू ने तुरंत खारिज कर दिया। बीएमसी ने कहा कि बिहार में कोरोना की स्थिति को देखते हुए अनुमति नहीं दी जा सकती है। वेलरासू ने अपने जवाब में तिवारी को राय दी है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जूम के जरिए काम जारी रख सकते हैं। विनय तिवारी ने इस पूरे मामले में बीएमसी के रवैये को अनुसूचित और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीएमसी के इस रवैये पर बिहार सरकार गुस्से में है। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि वो बीएमसी के इस निर्णय के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में फटकार लगाई थी और प्रोफेशनल तरीके से अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का रवैया सबके सामने दिख रहा है।